स्टूडेंट के जे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टूडेंट प्रतियोगिता रसायन के भाग 12 में रासायनिक बंधन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है बोर ब्यूरी योजना। 1914 में बोर और ब्यूरी ने विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या टू एन स्क्वायर होती है। यानी परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2×1 का स्क्वायर, जहां n बराबर कक्षा संख्या 1, 2, 3, 4 बराबर हो जाएगा 2×1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 बराबर 2। यानी परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2×2 का स्क्वायर, यानी 2×4 2×4 8 होगी। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2×3 का स्क्वायर, यानी 3×9 2×9 = 18। यानी परमाणु की तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2×4 का स्क्वायर, 4×16 2×16 = 32। यानी चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन उन्होंने यह बतलाया कि परमाणु की तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब परमाणु की चौथी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। परमाणु की चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन तब उपस्थित होंगे जब परमाणु की पांचवी और छठी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी वह 8 होगी, 8 से ज्यादा नहीं। और इसके आधार पर उन्होंने बोर ब्यूरी योजना को प्रस्तुत किया था कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी हो।
इसके आधार पर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बारे में बोर ब्यूरी ने जो है हमें बताया। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कक्षा। कक्षा को अंग्रेजी में सेल या ऑर्बिट कहा जाता है, सेल और ऑर्बिट। नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षा कहलाते हैं। कक्षाओं को के एल एम एन ओ पी क्यू के द्वारा या एक दो तीन चार पांच छह के द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु की पहली कक्षा को के से, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी को एम से, चौथी को एन से, पांचवी को ओ से निरूपित किया जाता है, जबकि एक दो तीन चार के द्वारा भी कक्षा संख्या को निरूपित किया जाता है। कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं उप कक्षा यानी सबसे। अंग्रेजी में इसको सबसे या ऑर्बिटल कहा जाता है। कक्षा का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उपकक्षा कहलाता है। उपकक्षाएं चार प्रकार की होती हैं। ये है एस पी डी
और एफ, ये चार प्रकार की उप कक्षाएं होती है। एस जो है इसकी आकृति गोलाकार होती है, पी की आकृति जो है ये डमरू के समान होती है, ये तीन प्रकार का होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, डी जो है पांच प्रकार का होता है और एफ जो है सात प्रकार का होता है। एस ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या छः होती है, डी ऑर्बिटल में अधिकतम दस इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 14 होती है। के कक्षा में सिर्फ एक उपकक्षा एस पाया जाता है और एस में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। एल यानी परमाणु की दूसरी कक्षा, इसमें दो ऑर्बिटल यानी उपकक्षाएं पाई जाती है एस और पी। तो एस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है और पी में 6 होती है। पी जो है यानी इसमें अधिकतम संख्या जो होगी 8 होगी। एम में तीन उपकक्षाएं पाई जाती है एस, पी और डी। तो एस में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6 और डी में 10। इस प्रकार एम उपकक्षा, एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी। एन उपकक्षा, एन कक्षा में चार उपकक्षाएं एस, पी, डी और एफ पाए जाते हैं। तो एस में 2, पी में 6, डी में 18 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार जो है परमाणु की चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हम देखते हैं कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 14 होती है। इस प्रकार हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का निरूपण करते हैं। इसके लिए अबाउ ने एक नियम का प्रतिपादन, अबाउ नियम का प्रतिपादन हुआ था जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमें जानकारी देता है और उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लिखे जाते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं संयोजकता, व्हाट इज वैलेंसी। तत्व के अन्य तत्वों, किसी तत्व का, किसी तत्व का अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता को, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता को, जोड़ने की क्षमता को, संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जब हम किसी आवर्त में बाई ओर से दाई ओर जाते हैं तो पहले तत्वों की संयोजकता बढ़ती है फिर
घटकर शून्य हो जाती है, तत्वों की संयोजकता एक से बढ़कर चार हो जाती है, तथा फिर चार से घटकर शून्य हो जाती है, जबकि किसी वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। जैसे हम लोग देखते हैं, ये वर्ग है फर्स्ट, ए एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब की संयोजकता एक होती है, इन सभी तत्वों की संयोजकता एक है। लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो इनकी संयोजकताएं जो है ये एक, दो, तीन, चार, फिर घटना शुरू होता है, तीन, दो, एक, जीरो हो जाती है। लेकिन वर्ग में, इस वर्ग फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी है, एक है। वर्ग दो के तत्वों की संयोजकता दो है, वर्ग तीन के तत्वों की संयोजकता तीन है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे अष्टक नियम। सिस्टम में छह अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, इनकी संख्या छह है। ये हैं हीलियम परमाणु संख्या दो, नियॉन परमाणु संख्या दस, आर्गन परमाणु संख्या 18, क्रिप्टन परमाणु संख्या 36, ज़ेनॉन परमाणु संख्या 54 और रेडॉन परमाणु संख्या 86। ये छह उत्कृष्ट गैसें हैं। इन गैसों के हीलियम अपवाद है, हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि हीलियम में सिर्फ एक कक्षा उपस्थित है, इसलिए हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दो होती है, तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के बावजूद हीलियम जो है अस्थायी होता है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। क्रिप्टन का देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, 3d10, 4s2, 4p6। बोर ब्यूडी स्कीम ने क्या बतलाया था कि परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब देखिए ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4a14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। इसको अब देख करके हम बोर ब्यूडी योजना को समझ सकते हैं। परमाणु की तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उसके चौथी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। परमाणु की चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन तब उपस्थित होंगे जब उसके पांचवी और छठी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। और परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी वह 8 होगी, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी हो। यहाँ देखते हैं दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, पांचवी कक्षा है और यहाँ छठी कक्षा है। तो इसके अलावा जितने भी तत्व हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके लिए वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। और इसके उपरांत जो है उन तत्वों के परमाणुओं के बीच एक बंधन का निर्माण होता है जिसे रासायनिक बंधन की संज्ञा दी जाती है। तो इसने इसके अगले वीडियो में जो है हम लोग अष्टक नियम और अष्टक नियम को पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।